आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड खबर की टीम ने समाज सेवी बच्चन सिंह रावत से की खास मुलाकात, जिन्होंने उपतारा के कलाकारों को दिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं किशोर रावत। आज हमारे साथ है उपतारा की टीम, जो कि एक खास प्रोग्राम के लिए यहां पे आ रखे हैं, खास मकसद के लिए यहां पे आ रखे हैं। उन्होंने आइए उनसे पूछते हैं। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ हैं। भंडारी जी नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद रावत सर, आज आप यहां पे एकत्रित हुए हैं, तो क्या है आपका, बताइए। देखिए, आज हमारे उपतारा के लिए और हमारे उत्तराखंड के समस्त कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि जो बात कभी सरकार ने हमारी नहीं सुनी, वो हमारे आदरणीय बहुत उद्योगपति इस उत्तराखंड के लाल, जो कि इस प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेश में जाकर के पूरी देश की सेवा कर रहे हैं, श्री बच्चन सिंह रावत जी, वो हमारे बीच खड़े हैं। और उन्होंने एक वादा किया था हमसे कि जो हमारे कलाकार हैं उनको, जो कुछ परेशान कलाकार हैं जिनको दिक्कतें हैं, उनके सहयोग के लिए वो हमें कुछ राशि देंगे। आज उन्होंने 1.5 लाख रुपया उन्होंने घोषणा की थी और आज उन्होंने उसका चेक हमें दिया है। मैं समस्त उत्तरा टीम की ओर से रावत जी का धन्यवाद करता हूँ और निस्संदेह हम इस टीम के माध्यम से कुछ कलाकारों के, जो परेशान कलाकार हैं, उनकी मदद कर पाएंगे। उसके लिए आप बहुत समाज सेवी हैं, पूरा काम कर रहे हैं और कलाकारों की सुध भी आपने ली, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और अब मैं मुलाकात जो करा रहा हूँ, जिनका ये पूरा श्रेय जाता है, वो बच्चन सिंह रावत जी हैं, एक समाज सेवी हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सारी जो है कि सामग्री आंध्र प्रदेश से पहुंचाई है, जबकि जो कि जो यहाँ पे हैं समाज सेवी, वो नहीं कर पाए जो आज आप कर पाए सर। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, समाज सेविक और एनजीओ सभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं। बट मेरा फोकस एक बेसिकली एक, और जो ये कार्य के लिए मैंने अभी यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ, ये मेरे सोच है कि जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हम लोग भूलते जा रहे हैं, हम विदेशों में जाकर रहते हैं, तो वो सांस्कृतिक हमारे बच्चे पोते में कंटिन्यू रहे। इसी की वजह से ये मैंने किसी पे मेहरबानी नहीं की, ये तो मैंने खुद के ऊपर की कि हमारे पोतों तक ये लाइन जिंदी रहे और उससे आगे भी लोग आगे चलाते रहेंगे। सर, अभी आपने अपने इधर एक स्कूल भी खोला, उसमें बच्चों को सामग्री लैपटॉप वगैरह भी बांटे, तो क्या है? नहीं, स्कूल नहीं खोला, एक कंप्यूटर सेंटर खोला था। जब कोरोना के वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी तो ट्रबल एरिया में, तो मैंने वहाँ पे एक ही अभी तक एक ही खोला है और वहाँ पे लोग अच्छे से, मतलब मैंने समून फाउंडेशन है उनको हैंडल करने के लिए दिया हुआ है और अच्छे से चला रहे हैं वो लोग, और ऐसे होंगे तो आगे भी खोल रहेंगे। अभी हमारा विचार और दूसरी जगह भी है, बुढ़िया कत्यार्स के साइट में है कि जो सेकेंड कंप्यूटर सेंटर खोला जाएगा बहुत ही शॉर्टली। थैंक यू सर। और ये वीरू जोशी जी भी हमारे साथ हैं। आप वीरू जोशी जी जो हैं कि वो हमेशा हमारे को भेजते रहते हैं, तो सर आज खास बात बताइए कुछ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज उपतारा टीम के साथ हूँ और अपने बड़े भाई श्री बच्चन सिंह रावत जी के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ, बीना दीदी के साथ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई साहब कलाकारों के लिए ही नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, सबसे बड़ी बात है कि एक हृदय दिल जो इंसान होता है, दिव्यांगों के लिए भी भाई साहब ने बहुत बड़ा कार्यक्रम इवेंट किया आज से 4-5 महीने पहले, जिसमें 50 लोगों को व्हील चेयर वितरित की गई, आँख के चश्मा वितरित किया गया, कानों की मशीन वितरित किया गया। तो शायद ऐसी सोच, मैं तो फिर से कहना चाहता हूँ कि परमात्मा ही जा नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ अपने रूप में ऐसे लोगों को रखते हैं। और माँ भगवती से मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा कि भाई साहब ऐसी सेवा हर साल करते रहें और लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता रहे। समस्त कलाकारों के लिए और उत्तराखंड जो है क्रांतिकारियों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज उद्योगपति समाज सेवी आदरणीय सर बच्चन सिंह रावत जी के द्वारा कलाकारों के लिए, जो उनकी जो दूरदर्शी सोच उन्होंने कलाकारों के लिए सोचा है, और उपतारा टीम को उनके द्वारा जो है, जो उपतारा टीम के माध्यम से जो कार्य होगा वो हमारे कलाकारों के लिए होगा। उपतारा टीम अपने आप में एक बहुत जो है प्रगतिशील और क्रियाशील टीम है, जो कि कलाकारों के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। वो उपतारा के शपथ ग्रहण समारोह में एक कमिटमेंट करा था कि मैं कलाकारों के हित के लिए अपनी जेब से, अपने कमाए हुए धन से कुछ दान देना चाहता हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ उनके लिए, लेकिन उस समय वो पूरा नहीं हो पाया था, जिसके लिए उन्होंने खुद फ़ोन करके उपतारा को इन्फॉर्म किया और यहाँ पर बुलाया है। आज मैं दिल से, मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कोई उद्गार जितने निकले उतना कम पड़ जाएगा, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनका हार्दिक सम्मान और अभिनंदन करता हूं। वो कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उसमें अपनी कड़ी की भूमिका निभाई बीना बोरा जी ने, तो बीना बोरा जी के माध्यम से उनसे बात हुई तो एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं किस बात का अवार्ड मुझे आप दे रहे हैं, मैंने कोई ऐसा वो नहीं किया है ना।
तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं जानता हूँ, पूरा उत्तराखंड जानता है, सब लोग जानते हैं कि बच्चन सिंह रावत जी का कितना बड़ा योगदान कोरोना काल में रहा है, और उसके अलावा वो विभिन्न सामाजिक कार्यों में अभी भी अपना जो है योगदान दे रहे हैं। उत्तराखंड खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।